अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बेहतरीन बेहतरीन। आज तो डिफरेंटली आपकी खुशी का आलम ही डिफरेंट होगा कि पोजीशंस आ गई हैं और ना जाने क्या क्या। सर ऐसे ही है, लाइक मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्लाह करे कहीं पे एडमिशन हो जाए, किसी को भी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, लेकिन वो अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया कि मैं लाइक सोच भी नहीं सकता, इतना ओवरवेलमिंग हो गया सब कुछ। जाहिर सी बात है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली कॉलिंग एनी स्टूडेंट ऑन जूम पर्सनली, और उसमें मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कि हमारा नियर पीयर का पहला थ्रेशोल्ड था 192 आउट ऑफ 200 का, जो कि मेरे नज़दीक बस सही है, मुनासिब था। मैं हमेशा कहता हूँ यार एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए। 194 ऑन द अदर हैंड आई थिंक इज़ अ लॉट, इज़ अ लॉट। तो और ये कोई आसान माइलस्टोन नहीं है, ये डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल माइलस्टोन है। तो सर डेफिनेटली मेहनत होती है, इंसान की भी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। हाँ एटलीस्ट MD के अटेस्ट में सिर्फ बिल्कुल मेहनत तो मैं नहीं कहूँगा, आई डोंट थिंक कि सिर्फ मेहनत से बंदा इतना ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, आपका टाइम टेबल होता है, आपका घर का माहौल होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल सारी बिल्कुल चीज़ें। यार, ये बड़ी मजे की तुम्हें बात बोली है। आई थिंक इन्हीं बातों के ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि मतलब फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पर सिर्फ एक तैयारी स्टार्ट हो रही होती है, टू द पॉइंट के जहाँ पर आप ये सोच रहे हो तो यार कहीं बस एडमिशन हो जाए, एंड देन टू द पॉइंट के जब आप एक्चुअली पोजिशन होल्डर्स में हो, तो हाउ डू यू फील, हाउ डज दैट मेक यू फील? मतलब कि वो सारा स्ट्रेस वगैरह तो सारा खत्म हो गया होगा, लेकिन अब ये नई फीलिंग क्या है? सर ये डिस्क्राइब तो आई डोंट नो कैसे डिस्क्राइब करना है इसको। ये ग्रेजुअली हुआ है। पहले जब मैं टेस्ट देकर आया, जब MD कैट का फिनिश हुआ था, तो मेरे लिए टेस्ट इजी था वो, क्योंकि एक तो मैंने दिया था फेडरल का और वो इतना आसान नहीं था। मैंने सुन रहा हूँ बच्चों से कि वो कह रहे हैं कि यार तुमने ना फेडरल का दिया था तो तुम्हारे मार्क्स आ गए, हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो इतना ईजी टेस्ट नहीं था। तो इवन मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मैंने UHS का भी सॉल्व किया था घर आके, उसमें भी मेरे अच्छा 190+ ही बन रहे थे। अच्छा माशाल्लाह, वेरी तो नाइस, क्योंकि गुड। उसकी रीजन ये थी कि मैंने पूरा साल पंजाब पढ़ी थी, थ्रू आउट द ईयर मैंने पंजाब और फेडरल दोनों पढ़ी थी, और मैंने पंजाब को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था कि कोई ऐसा MCQ जो ग्रुप्स में भी आ रहे होते हैं, ऐसा MCQ नहीं होता था जिसका मुझे कॉन्सेप्ट ना आता हो। बिल्कुल ठीक। कोई एक आधा निकल आता था तो उसको मैं उसी टाइम जो है वो चेक कर लेता था कि यार इसका क्या आंसर है, ये रिलेटेड है MD कैट से या नहीं, बिल्कुल तो उसको ठीक फिर मैं देख लेता था। फिर बिल्कुल एंड पे आके असबाब ऐसे बन गए कि मैंने पंजाब का UHS सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी, लेकिन वो जब दोबारा खुली 6 और 7 को, तो बस फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने फेडरल सेलेक्ट कर दिया अच्छा ज्यादा बाबा अच्छा के कहने पे, क्योंकि तो जी आपके पास क्योंकि सर ऑप्शन मैंने ऑप्शन एक्चुअली भी थी कि क्या नाम है, कि आपने कहाँ से देना है? मतलब आपने अपना जो एग्जाम है FSC का, वो पंजाब बोर्ड से दिया था? नहीं सर मैंने फेडरल से दिया था तो आप तो रहते तो मियांवाली में हो, जी। तो सर आपने फेडरल इधर कौन से? एक्चुअली सर मियांवाली से थोड़ा सा आगे मैं रहता हूँ, यहाँ पे चश्मा कॉलोनी, शायद आपको पता हो जो पपलिन वाली जो जगह थी ना, सर, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की कॉलोनीज हैं इधर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। जो आपने एड्रेस भेजा था मैं उसके ऊपर देख रहा था कि कौन सी वाली जगह थी आपकी, पिपलन, पिपलान सर या पिपला पिपलन? से, ये सर तहसील पिपला है ना, लेकिन बिल्कुल बेसिकली ठीक, हमारी जो कॉलोनीज है ये थोड़ा सा हटके हैं, लाइक एटॉमिक एनर्जी, समझ ट्वेंटी गया मिनट्स समझ गया समझ हटके। गया, बिल्कुल ठीक। तो एटॉमिक एनर्जी क्योंकि फेडरल सब्जेक्ट एक तरह से, तो वहां पर जी स्कूल्स भी फेडरल बोर्ड वाले ही होंगे। जी सर ऐसी है। सही सो उधर सही से फेडरल, और मैंने कोई बहुत हाई फाई कॉलेज से नहीं किया, FSC पंजाब कॉलेज सुपीरियर इनसे नहीं किया, उधर एक अपना इनका है एटॉमिक एनर्जी का कॉलेज, क्योंकि वो अच्छा एक ही था इधर, ठीक है, बाबा जो है वो एम्प्लॉय हैं बिल्कुल ठीक, एटॉमिक एनर्जी में, तो उधर से की थी FSC। सही 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 सो सही फर्स्ट फर्स्ट ईयर में सर, फर्स्ट ईयर में मैंने जो है वो किप्स ज्वाइन की थी, बिल्कुल ठीक जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने MD कैट देना था, सही सही। लाहौर गया, उधर काफ़ी मसले मसाइल थे, एडजस्टमेंट जो थी वो अच्छा बड़ी मुश्किल लाहौर आए थी, थे आप? हॉस्टल में रहना, बहुत अजीब से भी लोग थे, कहना तो नहीं चाहिए बट जो है वो है। तो होता है होता है। फिर उधर से जब वापस आए हम, तो फिर PMC का नोटिफिकेशन आ गया कि यार जो पेपर है वो आपका UHS लेगा लास्ट ईयर। बिल्कुल ठीक। और हम उस टाइम भी मैं फेडरल ही पढ़ी थी मैंने, क्योंकि था कि PMC का ज़्यादा फेडरल से आते हैं, वो फेडरल को प्रेफर करते हैं, तो मैं फेडरल पढ़ रहा था।
लेकिन जब पंजाब पे मैं शिफ्ट हुआ तो उसमें पंजाब और में चूंकि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक उसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि वो आपको याद करने ही पड़ते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट से चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल ऐसी तो वो फिर उस वजह से थोड़ा मैं लैग कर गया, थोड़ा पैनिक कर गया पिछली दफा टेस्ट में, वो फिर मेरे आए थे 168 मार्क्स आए थे। अच्छा बिल्कुल ठीक, लेकिन फिर भी यार 168 इज नॉट बैड, मतलब कि अगर इतने पैनिक के बाद एज पे था, बिल्कुल वो बॉर्डर पे था, अगर मेरे 2 मार्क्स आ जाते और तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ लास्ट टाइम, क्योंकि अगर होता तो मेरा किसी लास्ट किसी डीजी खान में होता या इस तरह होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर जब रिजल्ट आया मेरे पे, जी हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी होती है, ऐसे ही है। जब रिजल्ट आया तो जाहिर है कि पेरेंट्स का भी थोड़ा सा था कि यार नहीं हुआ, एडमिशन नहीं है, क्योंकि सर हमारी जो कॉलोनी है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। इधर लाइक सारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, नस्ट में हैं, केयर में हैं, पास में हैं और इस तरह, और सबकी लाइक मैं वैसे भी अपने कॉलेज का टॉपर था तो मेरे ऊपर एक अलग ही प्रेशर था कि यार तुम्हारा तो होना ही चाहिए। तो फिर जब नहीं हुआ तो ज़्यादा सेटबैक लगा, फिर मैंने जो है ना दोबारा तैयारी स्टार्ट की, दिसंबर से मैंने दोबारा तैयारी स्टार्ट की। बिल्कुल ठीक है। और फिर मैंने मैंने कहा यार अब अगर लेना है ना एडमिशन तो जाना है लाहौर सीधा। अच्छा ओके। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि लाइक इतना ज्यादा मैं अचीव कर लूंगा, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं नहीं डेफिनेटली। लेकिन शुरू डे से मैंने लाइक जनवरी से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, दिसंबर मैंने थोड़ा ऑफ ले लिया था क्योंकि वो थोड़ा सा एक सेटबैक था और मेंटल स्टेट भी ऐसी नहीं थी कि तैयारी करे। दोबारा से तैयारी स्टार्ट की मैंने, ईच एंड एवरी लाइन जो बुक की है। अच्छा इस टाइम तक मैं पंजाब पढ़ रहा था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि फेडरल का अलग टेस्ट होना है, मुझे था कि पीएमडीसी आ गई है तो उनका एक ही टेस्ट होगा। मैं पंजाब पढ़ता रहा, ईद तक मैंने पंजाब को इतना अच्छा प्रिपेयर कर लिया था कि मेरे मॉक टेस्ट्स में 175 से डाउन नहीं जाते थे। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। तो इसके बाद फिर मैंने जो है जब इनका आया कि अब जो है ना दोबारा से अलग टेस्ट होंगे, तो फिर मैंने पंजाब सेलेक्ट कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा यार मैं दोनों की तैयारी करके दूंगा क्योंकि पता कोई नहीं आ जाए फेडरल। बिल्कुल ठीक। दोनों बुक्स मैंने दोबारा सारा कुछ रिवाइज किया। लाइक एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं घर से बाहर गया तो जो ग्रास थे ना लॉन की, वो जब पाँव के साथ टच हुई ना, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि यार ये तो मैं कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे हो गया था कमरे में रह के चीज़ें पढ़ने में, इतना ज्यादा मैं इंडल्ज हो गया था कि मुझे बाहर की होश ही नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मंथ की बात बता रहा हूँ, ये काम बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा। आपको इवन मैं तो कहता हूँ आपको जो है स्पोर्ट्स, मैं जैसे बैडमिंटन खेलता हूँ तो आपको आपको रोज कोई ना कोई जो है ना स्पोर्ट्स करनी चाहिए, इवन आप वॉक कर लो, आप योगा जिम जो है कुछ भी कर लो। तो अरीद आपकी कोर्टिसोल लेवल, आपका गैप ईयर मतलब था जनवरी से लेकर अभी पेपर हुआ है आपका अगस्त में, तो ये तकरीबन आपका बन जाता है 6-7 महीने 8 महीने की तकरीबन ये तैयारी बन जाती है। तो आपने क्या किस तरह से आपने जो है सारी तैयारी जो है वो इसके मेजर मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं? आप लाहौर आए लाहौर से आपने क्या नाम किसी हॉस्टल में फिर आए, यहाँ पर तैयारी स्टार्ट की, क्या क्या आपने किया, कौन सी अकेडमी ज्वाइन की, नियर पियर इस जर्नी में कहाँ पर बीच में आया, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। फिर वो जो उसके स्ट्रेस वगैरह होते हैं उसको कैसे हैंडल किया, इन सारी बातों में थोड़ी सी रोशनी डालें। सर लाहौर में गया था लास्ट ईयर जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट थी, फर्स्ट अटैम्प्ट थी और फिर उसमें जाहिर है फिर अकेडमी में जब मैं गया तो अकेडमी में असल में बच्चों को पढ़ना आता नहीं है कि आप अकेडमी क्यों जा रहे हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वो बस समझते हैं कि जो टीचर हमें बता देगा ना वो पत्थर पे लकीर है, जो टीचर हमें अकेडमी का बता देगा। और वो अच्छा मेरी एक बच्चे से बात हुई, वो कहता मैंने आज तक किताब नहीं खोली, अपनी टेक्स्ट बुक नहीं खोली। अच्छा। कहता मैं जो है ना फलां अकेडमी की लाइक फलां अकेडमी की मैं प्रेप बुक से करता रहा हूँ तैयारी। तो पेपर आपका बुक से आना है, ये बहुत बड़ी बात है। पेपर आपका बुक से बाहर नहीं आएगा, एटलीस्ट आपका 95% पेपर बुक से बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी बुक को तो पहले बेटर करो, आप अपने पहले 190 तो सिक्योर करो, फिर आप बेशक आप इंडियन बुक्स उठा लो वो बात की बात है, लेकिन पहले आप अपनी बुक करो। अच्छा मैं मुझे इस चीज़ का मुझे भी आइडिया नहीं था, मैं भी
एक दफा बायो की प्रेप बुक उठाई हुई थी एकेडमी की, तो उसमें भी ना बहुत डिटेल थी, बहुत ज्यादा डिटेल थी, वो मिक्स हो गई थी सारी, समझ नहीं आ रही थी। बट देन फिर मुझे जब मैंने टेस्ट दिया, जब मैंने दोबारा से पास पेपर्स देखे, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार पेपर तो आपका बुक से आ रहा है। फिर मैं बुक पे फोकस कर लिया अपना सारा का सारा फोकस। मैं ऐसा करता था कि मैं अपने चैप्टर्स को जो है ना रिवीजन बहुत ज्यादा करता था मैं, क्योंकि ये एक दफा याद करने से चीजें याद नहीं होती। बिल्कुल ठीक। आपको जितनी आपकी रिवीजन हो सकती है आप उतनी रिवीजन करें। रिवीजन पे मेरा बहुत फोकस होता था। और जो मेन चीज मैं अगर कहूँ, जो बच्चे जिसमें मुझे लगता है कि बच्चे लैग कर जाते हैं, वो होती है चीजों को रिलेट करके पढ़ना। बिल्कुल ठीक है। मसलन फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है ओजोनोलाइजेस ऑफ अल्कीन्स। तो आप अगर ये पढ़ रहे हो, आप इसके साथ ये भी पढ़ो कि यार उस चैप्टर में लिखा हुआ था ओजोनोलाइजेस ऑफ अल्काइन्स, उनमें डिफरेंस करके आप पढ़ो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आपको चीजें याद रहेंगी। क्योंकि पेपर में अगर आ गया तो उसने तो जाहिर है दोनों ऑप्शंस दिए होंगे, अल्काइन्स वाला भी अल्कीन्स वाला भी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कैसे इंप्रूव किया जाए, ये नोट्स बना बना कर होता है या किस तरह से होता है? सर जरूर सर, इसके लिए ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बुक से कर लेते हैं। मैं पर्सनली मैंने इस ईयर तो नोट्स बनाए थे, मैं भी बुक वाला बच्चा था, बट मैंने इस ईयर जो मेन जो चीजें मुझे भूल जाती थी, जो चीजें ऐसी होती थी जो मुझे लगता था कि यार ये मुझे मुश्किल लगती है, तो वो मैं अपने अलहदा पेज पे लिख लेता था, अपने नोट्स में लिख लेता था। और फिर उनसे मुझे सच में बहुत फायदा हुआ। लाइक मैं वन पेज समरीज बना लेता था एक एक चैप्टर से, और उसमें फिर रिवीजन में बहुत फायदा होता है। और फिर आप वो चीजें रिवाइज कर रहे होते हो जो आपको भूल जाती है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, लेकिन सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंसेस जो लेयर्स के होते हैं वो क्या होते हैं, और ये जो हर स्पीशीज की डिफरेंस होती है सेल वॉल में ये क्या होता है, इन एमसीक्यूज इधर से आना होते हैं। मेन चीजें तो वो तो फिर हर बच्चा कर लेगा। बिल्कुल। तो ये जो है, और चीजों को डिटेल के साथ पढ़ना, अक्सर बच्चे होते हैं जो बस वही चीजें पढ़ते हैं जो उनको आसान लगती हैं, और वो उन चीजों पर फोकस नहीं करते जो उनको मुश्किल लग रही होती है, कहते हैं यार वो हम बाद में कर लेंगे। इट मैटर्स, क्योंकि चीजें आप नंबर वहीं पे, आप मार वहीं पे खाओगे जो चीजें आपको नहीं आती है। Exactly. आप कर जाओगे। बिल्कुल। और ये आपके जो है ना हर सब्जेक्ट में दो दो तीन तीन नंबर ही कटते हैं, और वही एंड पे इतने सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि आपको फिर समझ नहीं आती कि यार मैं लैग कहाँ कर गया। Exactly. तो, मतलब आप देखो ना, हम नियर पीयर के ऊपर जो है वो आपने भी देखा होगा, हर क्वेश्चन के बाद जो है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक जो है वो पाई चार्ट बन रहा होता है। वो बनाई इसलिए रहे होते हैं कि यार जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो तो आपको भी पता है कि यार आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और आप क्योंकि एक होती है ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि यार पढ़ाई में खुशी मिलनी चाहिए, तो मतलब कि एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए, तो उस चक्कर में वो हमेशा वही कॉन्सेप्ट्स को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं जो उनको ऑलरेडी आता है, वही वाला चैप्टर बार बार पढ़ के खुश हो रहे हैं, उसी के नोट्स बना के खुश हो रहे हैं, और डिफिकल्ट को जो है वो छोड़ रहे हैं। तो नियर पीयर पे वो जो डिफिकल्टी का जो ग्राफ बनता है वही आपको बता रहा होता है, भाई अब देखो तुम्हारे पास एक महीना रह गया है, प्लीज इन डिफिकल्ट चीजों को देख लो, इनको देख लोगे तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स के अंदर ये भी मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि यार सर 160-165 मार्क्स तक हमारे आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ऊपर कैसे जाएं। तो वहां पर ये रीड आपकी वाली बात बड़ी जबरदस्त है कि वो 165 इसलिए आ रहे हैं, या चलो 170 तक भी पहुंच रहे वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट में से 5-5, 6-6 नंबर आपके कट रहे हैं या 4-4 नंबर कट रहे हैं, तो 4-4 है ही वो बोले जो आपको मुश्किल लग रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो स्टैट्स भी उठाकर देखता हूँ अच्छे बच्चों के, तो मुझे ये नजर आता है कि यार 150-160 मार्क्स लेना इज एन इजी डील, वो तकरीबन हर बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। द ओनली फैक्टर जो डिफरेंस जहाँ पर क्रिएट होता है वो होता ही है कि वो ऊपर वाला 10 ऊपर वाले 15 नंबर जो है वो कैसे आपके आए। तो या आई डू सेकंड दैट पॉइंट कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को देखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। यस तो मुझे फरवरी या मार्च में नियर पीयर का मुझे पता तो था, मैंने आपके नोट्स भी यूज किए थे फर्स्ट ईयर में, लेकिन वो जस्ट एक टॉपिक के नोट्स थे, तो वो मुझे कहीं से मिल गए थे, और मेरे कॉन्सेप्ट्स भी वीक नहीं थे मुझे, क्योंकि मैं शुरू से फेडरल बोर्ड में, आपको सर आइडिया होगा कि फेडरल बोर्ड में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बच्चे को पढ़ाया जाता है, लाइक हर चीज रटने लग रही है, आपको पता होगा नियर पीयर फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल पार्टनर है इन ऑनलाइन एजुकेशन। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं फेडरल बोर्ड की, वहां पर आप देखें ऑनलाइन एजुकेशन
कि वो क्लिक करें वो बटन वहाँ पे बना हुआ है, नियर पीयर खुल जाता है। फेडरल बोर्ड के साथ मिलकर हमें पेपर्स बनाना, उनको कंसल्ट करना, इनफैक्ट क्या हमें ये जो चेंज आया था फेडरल बोर्ड के अंदर जिसके अंदर SLO बेस सारा हो गया था, उसके पीछे नियर पीयर था ना, नियर पीयर ने क्या हमें कंसल्ट किया था इस चीज़ के ऊपर कि यार आप अपने पेपर के पैटर्न, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स किए तो मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ होती थी पाकिस्तान के अंदर कि मैट्रिक एवं का बच्चा पीछे क्यों रह जाता है, ओ लेवल्स में ऐसी क्या बात है या उसके बच्चे में, तो यही समझ आती है कि यार करिकुलम जो ओ लेवल्स ए लेवल्स है वो बहुत बेहतरीन है, जो उनके पेपर्स आते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं, डिफाइन न्यूटन लॉ तो क्या नाम है हर बच्चा उसका जवाब दे देगा ठीक है जिससे रटा मारा होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल पेपर में अगर आप एक फ्लाइंग रॉकेट शो कर दो और नीचे लिखोगे एक्सप्लेन व्हाट न्यूटन लॉज आर बीइंग अप्लाइड ऑन इट, तो उससे पढ़ेगा बच्चा वही न्यूटन लॉज लेकिन अब उसे कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करने का सोचेगा। तो ये सारा डिसीजन था ये हमारा फेडरल बोर्ड के साथ था जिसमें हमने फेडरल बोर्ड को इन्फ्लुएंस किया था कि, और माशाल्लाह वो बड़े रिसेप्टिव भी हैं, बहुत ओपन माइंडेड है फेडरल बोर्ड कि वो इस तरह की चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की थी। तो या तो फेडरल बोर्ड का कॉन्सेप्चुअल था बता रहे थे। तो सर उसके बाद फिर मुझे नियर पीयर का, मैंने मेनली जो है वो नियर पीयर से मैंने MCQ सॉल्व किए थे जो मेजरली मुझे जिस चीज़ से मैं आपसे एफिलिएशन कह सकता हूँ वो ज़्यादा था मेरे MCQ और टेस्ट वगैरह, क्योंकि सर लेक्चर बार बार सुनने का मुझे इतना नो डाउट मुझे कुछ ना कुछ नया पता चलता, लेकिन मेजरली जो मुझे फ़ायदा होना था वो मुझे होना था MCQs और अपनी जो टेस्ट सॉल्व करके जो मेरी गलतियाँ हैं उनको। तो ये मुझे अब इसमें अब टेस्ट सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है, अक्सर बच्चे मैंने ये नोट किया थ्रू आउट द ईयर क्योंकि मैं इवन ग्रुप्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता था बच्चों की, लाइक ये ऐसा नहीं कि मैं अपनी वो बड़ाई बयान कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि जो भी बच्चे होते थे उनको मेरे से जो भी हो सकता था उनको मैं हेल्प, तो मैंने एक बात ये नोट की थी कि बच्चे MCQs अंधाधुंध सॉल्व करते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं, और इससे होता ही है कि वो फिर आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं क्वेश्चंस। इंडियन नीट, आपको पता होगा नीट एक एग्जाम होता है, उसके बच्चे इतना सॉल्व उसके उठाए होते हैं MCQs और वो पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं उन पे जो हमने पढ़े ही नहीं होते, हमें आइडिया ही नहीं होता उस चीज़ का, वो बच्चे ग्रुप में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये जाहिर है ये कि ये आपको कोई फ़ायदा तो नहीं देने वाली चीज़, ये ना आने वाला टेस्ट में आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा कि यार ये चीज़ें तो हमें आती नहीं है। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये कि बच्चे जो सबसे बड़ा सेकंड फैक्टर है, पहला तो ये हो गया कि बच्चे टारगेटेड तैयारी नहीं करते, अंधाधुंध MCQ सॉल्व करते हैं, सेकंड बात ये होगी कि वो अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन नहीं करते। सबसे जो इफेक्टिव चीज है, आपको जो आपको आता है वो तो आप सिक्योर कर गए हो, लेकिन जो आपको नहीं आता इम्प्रूवमेंट आपको उसमें आएगी। मैं क्या करता था कि मेरे जब भी कोई MCQs गलत होते थे, क्योंकि मैं ऑनलाइन ज्यादा शुरू शुरू में ऑनलाइन करता था, तो मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेता था उसकी और मैं उनको सेव कर लेता था MCQs को, यार ये मेरा ना गलत हुआ है और मैंने इसको इम्प्रूव करना है। जब मैं फिजिकल टेस्ट कर रहा होता था तो मैं अपने नोट्स में वो छोटा सा पॉइंट लिख लेता था जो मेरी गलती होती थी, तो एंड पे फिर वो जो जो मेरे वीक पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट होते गए उनको मैं रेक्टिफाई करता गया और फिर एंड पे जो था वो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे नहीं आती थी। Very nice. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऊपर मैं एक चीज़ ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने जो ये बात बोली ना कि आप ग्रुप्स में दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे होते थे, मेरे नज़दीक ये बात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में जहनशीन करने के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे लोगों को एक्चुअली पढ़ाओ। जब आप दूसरों को पढ़ा रहे होते हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो कि यार मुझे ये कॉन्सेप्ट 100% आना चाहिए, इसकी डेप्थ ब्रेथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह से मुझे ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस से दूसरे को पढ़ा पाओगे और दूसरे को पढ़ाने के लिए आप खुद भी थोड़ा सा उसे पढ़ लोगे, और इन द प्रोसेस जब आप दूसरे को पढ़ा रहे होते हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन का जो एक वो पार्ट होता है जहाँ पर अनकॉन्शियस मेमोरी के अंदर चीज़ें जाती है, वहाँ से कॉन्शियस आपको एफर्ट डालनी पड़ती है चीज़ों को रिकॉल कराने के लिए, वो पार्ट चीज़ आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है, सबकॉन्शियस में, सॉरी अपनी सेकंड नेचर बन जाती है वो। सेकंड नेचर, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग है, ड्राइविंग जब आप पहले दिन करते हो तो आपको बड़ा सोच समझ के करना होता है लेफ्ट राइट गियर एक्सीलरेटर ब्रेक, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप जो है अपनी गाड़ी में दोस्तों से बातें भी कर रहे हो और साथ साथ ड्राइविंग भी चल रही है, क्योंकि ये ड्राइविंग अब आपका कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन नहीं सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन आपका कर रहा है। तो पढ़ाने से भी ये होता है, जिस तरह से मैं अक्सर अवकात जी सर हबीब सर शायद के साथ बैठा हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप लोग
लोगों को, आप लोगों के सामने जो एमसीक्यू रखूंगा आप लोगों को वो आता होगा। तो इसकी क्या वजह, आप लोग एमडी गैट की तैयारी करते हैं बैठ कर? नहीं, वो तो कभी एमडी गैट की तैयारी नहीं करते, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के जहन में वो चीजें इतनी जबरदस्त आ जाती हैं कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर देते हो। और उसका सबूत अभी आप मेरे सामने हैं कि जो आप खुद बता रहे हैं कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, तो ये बहुत जबरदस्त बात है। और मिस्टेक्स नोट डाउन करना, उफ ये तो अंधाधुंध तैयारी जो बच्चे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों से मैं पूछता हूँ, हाँ भी क्या तैयारी का स्टेटस है, मैं उनसे जब पूछता हूँ एकेडमी के अंदर बैठे हुए, एकेडमी बहुत सारी एकेडमीज का ये भी मतलब देखो एकेडमीज, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एकेडमीज, आई थिंक दे डू अ वेरी वंडरफुल जॉब, उनके टीचर्स अच्छे हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, वहाँ पर बच्चा जाता है तो एक फीलिंग में होता है कि हाँ यार मेरी तैयारी करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे तंग करती होती हैं वो ये है कि सबसे पहले तो नथिंग अगेंस्ट अकेडमी बट अगेंस्ट द फैक्ट कि बच्चे को नहीं समझ आती यार मुझे अकेडमी को कैसे यूज करना, ठीक है? Yes, अकेडमी बताती भी नहीं है कि यार हमें कैसे यूज करो। अकेडमी इस चक्कर में कि भाई हमसे हमारी चीज़ें किसी तरह से सेल हो जाएं, वो नोट्स भी बनाएंगे, ये भी वो भी वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड मैं कभी कभी ये भी बड़ा नोट करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो नियर पीयर पर आते हैं या नियर पीयर की जो हम बात करते हैं तो बड़ी एक तरह ना हमसे इसलिए भी दूर भागते हैं क्योंकि हम उनको ना वो मंजन नहीं देते अक्सर औकात। मतलब बच्चा सर हबीब के पास आता है, सर हबीब मुझे ज़रा बताएं ना, मैं मुझे बस कोई नोट्स हैं मैं उसे पढ़ लूँ तैयारी हो जाए। सर हबीब कहते हैं कोई नोट्स नहीं पढ़े मेरे पास, तुम जाओ अपनी किताब जाकर तुम खोलो, ठीक है? तो बच्चा कहता है बिल्कुल, ये वही वाली बात होगी कि वो अभी आप मेडिकल में भी आप नोट करेंगे कि एक बंदा जो है वो एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बोलता है कि नहीं यार तुम बड़े चुस्त दुरुस्त हो, बस तुम जाओ केले खरीदो और केले खाओ तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। वही पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा डॉक्टर उसे पानी वाला इंजेक्शन लगा कर देते हैं कि यार अब जो है तुम सही हो जाओगे। तो वो मरीज बाहर जाकर अपने दोस्तों को वो जो पानी वाला इंजेक्शन जिसने लगाया उसकी ज़्यादा तारीफ करेगा कि यार वो बड़ा डॉक्टर है, वो दूसरा वाला एम ई डॉक्टर है, वो इलाज नहीं करता, ये बड़ा डॉक्टर है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लगती है कि जब नियर पीयर बोलता है कि भाई अपनी किताब से पढ़ो, किताब से पढ़ोगे तो क्या मैं यार एक परफेक्शन के लेवल के ऊपर आओगे, उसके बाद हाँ आगे पीछे की चीज़ें कर लेना। स्टूडेंट्स को वो चीज़ फॉर सम रीज़न जो समझ में नहीं आती। तो यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। और नोटिंग डाउन द मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स जो है ना ये बहुत स्टूडेंट्स बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको उनको चीज़ें बेचना बड़ा आसान होता है। बिल्कुल, आप शुगर कोट करके चीज़ें सेल कर दें तो वो उनको लगेगा कि यार अगर आप उनको बुक से हट के कोई हाई फाई लेवल की चीजें करवा देना वो समझेंगे कि यार ये इनका लेवल है, इनका स्टेटस, इनका स्टैंडर्ड है, हमने इनके पास जाना है। ऐसे ही है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब बिटवीन यू एंड मी, ये तो हम आपस में भी गपशप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यार बहुत सारे टीचर्स मेरे पास आते होते हैं ये बताने के लिए कि यार हम लोग जो हैं ये जब एकेडमीज़ वगैरह के अंदर होते हैं विदाउट टेकिंग एनी नेम तो ओरिएंटेशन होती है स्टार्ट में, तो हमें ओरिएंटेशन के अंदर ये बोला जाता है ख़ास तौर पर कि यार आपने जो है ये इस तरह के सवाल जो है उसके अंदर डालने हैं जो FSC लेवल के होने नहीं चाहिए, ये एटलीस्ट BSc लेवल के हो, इंडियन नीट में से हों, ठीक है? ताकि जब आप ओरिएंटेशन में ये सवाल फेंकोगे ना तो बच्चा कहेगा वाह यार क्या सवाल है, ये तो मुझे आता ही नहीं है। और फिर जब आप उसका जवाब दोगे ना तो बच्चा कहेगा वाह यार मतलब ये इसका ये समझाया जाता है। तो ये मुझे लगता है प्रोफेशन के साथ ये डिसऑनेस्टी है, मुझे लगता है कि यार ये बच्चे के साथ भी डिसऑनेस्टी है, प्रोफेशन के साथ भी है। आई मीन ऑन द अदर हैंड आप एक अच्छी चीज़ ये कर सकते हो, मतलब नियर पीयर पे हम बहुत ज़्यादा ये करते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका अभी ये हुआ है नहीं उनका हो पाया MD गैट में, अब आप देखिएगा क्या होगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं रीसब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे नियर पीयर का अगला वाला जो कोर्स है कि भाई हम क्या नियर पीयर पढ़ लें। तो हमारी टीम को हमने ये ट्रेन किया हुआ कि यार तुम उस बच्चे से ये पूछो कि यार ठीक है हम तुम्हारा रीन्यू कर देते हैं क्योंकि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई बात नहीं अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारे पहले कितने मार्क्स थे, सही है? फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है जिसके 90 मार्क्स थे या 85 थे या चलो ज़्यादा से ज़्यादा 105 110 नंबर भी थे, तो हम उससे ये पूछेंगे कि यार क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है? क्या और फील्ड नहीं है तुम्हारे पास करने को, ठीक है? क्या तुम अगर तुम्हारे मैट्रिक FSC में अगर अच्छे मार्क्स हैं तो तुम क्या मैं एलाइड को देख लो, तुम जो है लम्स जाने को देख लो, तुम फील्ड चेंज करने को देख लो, ठीक है? लेकिन इस तरह की बातें तो अक्सर औकात बच्चों को पसंद ही नहीं आती, वो कहते हैं कि यार पता नहीं हमारी इज्जत मजरूह कर दी है, इसने तो ये बोल दिया कि शायद हमने लाइक है, हमें कुछ आता नहीं है। तो वी डू फेस सच काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट वैसे, बट या स्टूडेंट्स आर वेरी इनोसेंट, आपने सही बात बोली है। इवन हमारी जब मैं गया था अकेडमी में तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते थे ऐसे जो ऐसे क्वेश्चंस ले आते थे जो टीचर्स को भी नहीं आते होते थे, वो कहते थे यार ये नहीं आने ब्रो छोड़ दो इन चीज़ों को। सो
ये एक होता है, ये एक एक एस्पेक्ट है इस चीज का, लेकिन आपको ये जो है ना, असल में एमडी कैट कोई बहुत वो नहीं है कि बहुत मुश्किल आ जाएगा या बहुत यू नो आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा। वही सवाल आने होते हैं, वही आपका मटेरियल बुक से आना होता है, वही कॉन्सेप्ट्स आने होते हैं, सिर्फ आपको सही तरीके से तैयारी का तरीका आना चाहिए, जो कि मैंने भी अपने रिपीट ईयर में सीखा है। मैं ये नहीं कहता मुझे पहले से पता होती थी चीजें, एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। बिल्कुल, फर्स्ट ईयर में मैं भी यही होता था कि यार मैं कितने अटेस्ट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं उस अकेडमी का कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, इट डजेंट मैटर। आप अच्छा, एक और मजे की बात मैंने एक और बात भी नोट की है कि बच्चे टेस्ट से तैयारी करते हैं अपनी, हालांकि इन माई ओपिनियन टेस्ट जो होता है वो आपकी तैयारी को इवेल्युएट करने के लिए होता है सिर्फ। मैंने देख रहा होता था कि बच्चे जब लास्ट टाइम मेरा एमडी कैट था, तो मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसमें ना 24 घंटे डिस्कशन होती थी एमसीक्यूज की। टेस्ट से अभी हफ्ता पहले उसमें इतने एमसीक्यूज आ रहे होते थे, रोज के कोई 1000-2000 एमसीक्यूज आ रहे हैं और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट से पिछले दिन भी। तो आई डोंट थिंक वो सही तरीका है कि आप टेस्ट से अपने कॉन्सेप्ट डिवेलप कर रहे हो। नहीं, आप पहले कॉन्सेप्ट डिवेलप करो, फिर आप उन कॉन्सेप्ट को टेस्ट पे अप्लाई करो, फिर आप देखो कि कौन सी मेरी मिस्टेक्स हैं या कौन सी मेरी गलती, उनको फिर आप रेक्टिफाई करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो आपका ओपिनियन ये है कि टेस्ट से तैयारी नहीं, तैयारी से टेस्ट। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप टेस्ट सॉल्व ना करो, आप मैक्सिमम टेस्ट सॉल्व करो, आपसे जितने ज्यादा हो सकते हैं जी। लेकिन जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो बेसिकली होगी आपके टेक्स्ट से, आपके कॉन्सेप्ट से, आपकी थ्योरी से। उनको आप इवैल्यूएट करने के लिए अनलिमिटेड टेस्ट बेशक सॉल्व कर लो आप। अनलिमिटेड, बिल्कुल सही बात है। तो अभी जब नियर पीयर के ऊपर आपको टेस्ट वगैरह मिल रहे थे और बाकी भी आपने जहाँ से टेस्ट वगैरह लिए, तो आपको एक फीलिंग थी कि हाँ यार टेस्ट बहुत ज्यादा है? ऐसा नहीं है कि टेस्ट जो है वो लिमिटेड हैं, क्वेश्चंस बहुत हैं, क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं, करते रहो एग्जॉस्ट नहीं होते, या फिर ऐसा है कि नहीं यार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई सब मटेरियल खत्म हो जाता है? सर मटेरियल तो खत्म हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा मटेरियल गिवन है। अगर इंसान इस साल का कम कर ले, पिछले साल का पढ़ा हुआ है उसे पिछले साल का पढ़ा हुआ है, और एक और जरूरी भी नहीं है, आप ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि मटेरियल खत्म करना है। देयर इज नो नीड फॉर दैट, क्योंकि पेपर में वो सवाल नहीं आ जाने उठ के। पेपर में उनका कॉन्सेप्ट आना है, पेपर में उस वो फॉर्मेट आना है, उन क्वेश्चंस का फॉर्मेट आना है। सो ये होता है कि आप सिर्फ अपने तौर पे एक चैप्टर को हर एस्पेक्ट से कर लो। अगर आपको ज्यादा है तो आप मल्टीपल एडमिस के उस चैप्टर के टेस्ट कर लो, ताकि आपको हर एस्पेक्ट पता चल जाए। बेहतरीन, बहुत प्यारी बात, बिल्कुल ठीक है। अच्छा रीत, जब आप अपने एफएससी के अंदर थे, तो तब से आपके जहन में था कि यार एमडी कैट की तैयारी को थोड़ा बहुत देखना है, या फिर आपने ये सोचा था कि यार मतलब कि टूवर्ड्स एंड? और मेरे ख्याल से आपका जवाब ये होगा टूवर्ड्स एंड ही, और इसी वजह से आपने फिर गैप ईयर भी लिया और उसमें ज्यादा अच्छा किया। लेकिन वुड यू एडवाइस एफएससी स्टूडेंट्स टुडे के यार तुम जिस तरह से एफएससी कर रहे हो, साथ साथ थोड़ा सा एमडी कैट को अगर हाथ लगा लो तो एक 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 अच्छी बैलेंस किस्म की तैयारी भी हो जाएगी और गैप ईयर से बच भी सकोगे? व्हाट वुड बी योर ओपिनियन देयर? डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप एफएससी जब आप पढ़ रहे हो, अब मुझे पंजाब का थोड़ा बहुत इतना आइडिया नहीं है, आई थिंक उधर ज्यादा थोड़ा मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है पेपर में। अगर आप उस टाइम ही एटलीस्ट, क्योंकि बच्चों को फिजिक्स मुश्किल लगती है, तो अगर आप उस टाइम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर लो एफएससी के दौरान ही, और अगर आपका ज्यादा दिल करे तो आप हाफ बुक टेस्ट एमडी कैट के या फुल बुक टेस्ट एमडी कैट के आप दे दो। मैं ये नहीं कहता कि आप यार रोज बर रोज है ना एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो एम कैट, क्योंकि आपने एफएससी भी ऑब्वियसली करनी है, आप उसके लिए भी कोचिंग जा रहे हो, बट अगर आपसे थोड़ा सा हो सके तो आप हाफ बुक टेस्ट दे दो, क्वार्टर टेस्ट दे लो। उससे आपको ये हो जाएगा कि यार आपको आइडिया हो जाएगा कि अब इसका इससे फायदा ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि एमडी कैट होता क्या है, एमडी कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर जब आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप डे वन से उस तरह पढ़ रहे होगे जैसे एफएससी का बच्चा पढ़ता है न्यूटन्स लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेंस एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेंस इन मोशन। लेकिन जब वो एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करेगा, उसको पता होगा कि यार मैंने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इस पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तक चला जाएगा, वो सब हर चीजों को रिलेट कर लेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, और ये जो है गैप ईयर से भी शायद आपको बचा सकता है। और आप जो है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर अगर बात करें तो मतलब पाकिस्तान का सिस्टम और तरह से है। इंडिया के सिस्टम के अंदर तो ये होता है ऑनेस्टली कि
बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी नहीं करते, वो फर्स्ट ईयर स्टार्ट उनका बोर्ड मैटर नहीं करता. एग्जैक्टली, वो नीट में चले जाते हैं और नीट की तैयारी करते हैं, मतलब अदर वर्ड्स एमडी कैट की तैयारी करते करते वो एफएससी का पेपर देते हैं. हम एफएससी की तैयारी करते करते एमडी कैट का पेपर देते हैं, वो एमडी कैट की तैयारी करते करते एफएससी का पेपर देते हैं, और दोनों ही निकल जाते हैं उनके फिर अच्छे. तो इस तरह का कल्चर अगर पाकिस्तान में भी अगर राज है तो मेरे ख्याल से क्योंकि देखो यार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग अर्ली, ठीक है, क्योंकि देखो अगर सारे लोग अगर एक साथ ही अगर रेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर जो बेस्ट होगा वही आगे जाएगा. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी सी कमजोरी है, आप थोड़ा स्लो लर्न करते हो, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो इट्स बेटर कि आप जो है थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर लो, उससे जो है बेहतर हो जाता है. लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गैप ईयर कोई बुरी चीज होती है. हमारे माशरे में गैप ईयर को एक बड़ा ही एक टैबू तरीके से देखा जाता है कि यार बच्चा शायद, मेरे नहीं ख्याल से कि गैप ईयर कोई बुरी चीज होती है. मेरे ख्याल से हर बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल एक लाइक बच्चा भी हो, उसको गैप ईयर इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि अब इंटरनेशनल या अमेरिका में अगर देखोगे तो गैप ईयर एक बहुत कॉमन चीज है, क्योंकि लोग अपने हाई स्कूल के बाद अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं. उससे एक साल में भी एक्सप्लोर करते हैं, स्पोर्ट्स भी एक्सप्लोर करते हैं, एकेडमिक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि यार मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर किस फील्ड के अंदर जाना है. तो आई थिंक गैप ईयर इज अ ब्यूटीफुल थिंग एज वेल, अगर उसको सही तरीके से गुजारा जाए. पाकिस्तान के अंदर मैं नॉर्मली ये भी देखता हूँ कि गैप ईयर बच्चे लेते हैं और पूरा पूरा साल सोते हुए गुजार देते हैं कि भाई पेपर हुआ है कोई बात नहीं, अभी 6 महीने पढ़े आराम से पढ़ाई करेंगे, फिर 5 महीने रहते हैं स्ट्रेस लेवल और ऊपर होता है लेकिन फिर भी आराम से पढ़ेंगे. करते 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 वही बात हो जाती है कि अभी फेडरल वो एफएससी के एग्जाम्स बाकी बच्चों के खत्म हुए होते हैं, एकेडमी स्टार्ट होती है, बाकी बच्चे एकेडमी जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको भी होश आती है और आप भी उस टाइम पे स्टार्ट करते हो, तो फिर गैप ईयर का फायदा क्या हुआ आपका. तो बिल्कुल यार ये जबरदस्त आपने बात की है. और नेवर वो जो आपने और बात बोली थी कि यार लोग अपनी मिस्टेक्स को नोट नहीं करते, आई थिंक बहुत बहुत आपने जो है वो अच्छा पॉइंट उठाया. स्टूडेंट्स जो है गैप ईयर में स्पेशली उनके पास इतना टाइम होता है, मैं उनको बोलता हूँ यार तुम इतने लकी हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है, डू नॉट नाउ फोकस ऑन कि यार तुम्हारे 150 नंबर तो आ गए थे पिछली बार ना, फॉर एग्जाम्पल, तो 150 नंबर क्यों आए थे, और 150 नंबर जिस वजह से आए थे उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ के 150 से 151 पे भी नहीं जा पाओगे. इस चीज़ को देखो कि गलती कहाँ पर की थी. अब स्टूडेंट्स नॉर्मली एकेडमी जा रहे हैं, अब एकेडमी का नॉर्मली एक और कल्चर ये होता है कि आपने पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करके वापस करना है, वो आपको आपके मार्क्स बता देंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो है वो पेपर अक्सर का हैंड आउट नहीं करेंगे. क्यों? हाँ, ताकि वो क्वेश्चन जो लीक ना हो जाए, कोई और एकेडमी वाला उठा ले. तो भाई अब बच्चा कहाँ से फिर अपनी तैयारी करे, उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चले. चलो कोई बात नहीं, वो बहुत सारी एकेडमीज पेपर वापस भी कर देती हैं. तो एक बच्चा जो है वो क्या करता होता है, वो देखता है अच्छा मेरे फॉर एग्जांपल 50 में से 44 मार्क्स आए हैं, वाह यार ठीक है सही अच्छे हैं, अगली बार कोशिश करेंगे 46 आएंगे. कैसे कोशिश करोगे? और पढ़ेंगे. अरे भाई और पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पेपर उठा कर देख लो 44 क्यों आए हैं, 6 नंबर कहाँ पर कटे हैं, 6 नंबरों को एक बार देख लो, ठीक है अगली बार इम्प्रूव कर लोगे. पर ये एफर्ट मुझे नहीं समझ आती, ये पता नहीं शायद मेरी एज हो गई है इस काम में, फील्ड में, पढ़ाई में, एजुकेशन में, इसलिए मैं ये बातें बोलता हूँ तो शायद ज़्यादा आसान लगती है मुझे. खैर आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्या स्टूडेंट एज में, स्टूडेंट लेवल में ये बातें सुनना, समझना, एब्जॉर्व करना, इन पे अमल करना क्या बहुत मुश्किल हो जाता है? व्हाट डू यू थिंक? ये तो बहुत सर, आई थिंक अमल करना मुश्किल नहीं है, बच्चे समझते हैं कि इसका फ़ायदा नहीं है जो मुझे लगता है. क्योंकि फर्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं मैं भी यही समझता था कि यार जो बस पढ़ रहा हूँ ना मैं उसको, मैं जितना ज़्यादा पढ़ लूँगा ना उतना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया उस टाइम नहीं होता था कि यार ये जो है ना एमडी के मैं अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करूँ, मैं अपने कॉन्सेप्ट को टारगेटेड तैयारी करूँ, जो चीज़ मुझे नहीं आती उसको मैं बेटर से बेटर करूँ. और कुछ बच्चे करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, लेकिन वो रिविजन नहीं करते. रिविजन बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है. और आप चीज याद करते हो तो वो अगले दिन आपको नहीं रहेगी याद, आपको वो रिवाइज करना ही पड़ेगा, आप हफ्ते बाद उसको एटलीस्ट रिवाइज कर लो. क्योंकि एम कैट में असल में रिकॉलिंग पावर जो होती है ना रिवीजन से, वो आपकी इंक्रीज होती है जब, क्योंकि एम कैट में आपके पास 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, एवरेज 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन होता है आपके पास. आप उसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार मैंने वो मार्च में पढ़ा था मैं उसको सेप्टेम्बर में रिकॉल करूँ, दैट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल. जब आपने बार बार रिवीजन की होगी आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज हो जाएगी, आपको फौरन पता चल जाएगा. आपको एमसीक्यू भी देखने की जरूरत नहीं. एग्जैक्टली. तो अरिद आपके लिए पर्सनली सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था? सर मेरे लिए एक होता है मुश्किल सब्जेक्ट, एक होता है गंदा सब्जेक्ट. हाँ
मुश्किल सब्जेक्ट मुझे जो है ना थोड़ा केमिस्ट्री लगती थी, ठीक है, और बायो में, बायो मुझे बहुत गंदी लगती थी क्योंकि उसमें अच्छा। मुझे याद करने होते थे, तो मैं फेडरल से हूं ना, वो उधर ये चीज नहीं है कि हर चीज याद करनी है आपने, वो एक एक लाइन याद करनी थी, तो मुझे वो बहुत बुरी लगती थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को, मैंने कहा यार नहीं, बायो तो मुफ्त के नंबर है, बायो को तो जाने नहीं देना। और मेरे इस टेस्ट में एक एमसीक्यू गलत हुआ है बायो में, और वो भी मेरी बेवकूफी की वजह से गलत है, सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं। अच्छा, ओके। तो वो भी एक क्वेश्चन, मैंने सुबह में उठा तो एक क्वेश्चन मेरी नजर से गुजरा और वो गलत मार्क हुआ हुआ था। अच्छा। तो वही आ गया पेपर में और वो मैंने गलत मार्क कर रखा था, तो बस अच्छा। उस वजह से। केमिस्ट्री मुझे सर इस लिहाज से मुश्किल लगता था कि उसमें मुझे फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगती थी, मुझे पंजाब की केमिस्ट्री थोड़ी मुश्किल इसलिए लगती थी क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा फैक्चुअल बातें लिखी होती थी उन्होंने कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसमें ये एक्सेप्शन है, इसमें ये चीजें हैं, इसमें उन्होंने टेबल बनाकर जो है ना वो इथाइलिन ग्लाइकोल का बॉइलिंग पॉइंट ये है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पे इतना हो जाता है, डाइथाइल ईथर का इतना है, वाटर इतना है, डाइपोल मोमेंट्स गिवन होते थे उनके वो 1.85 जैसे वाटर का है। तो अब इतनी सारी चीजें मुझे याद करने से ना प्रॉब्लम होती थी कि यार मैं रट्टा कैसे लगाऊं। लेकिन फिर मैंने थ्रू आउट जी नहीं, अब मैं पूछना ये चाह रहा था कि अब फॉर एग्जांपल जब एमडी कैट का पेपर एक्चुअल आया था तो आपने उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा हाथ लगाया था, मतलब आपने जो सीक्वेंस पेपर की थी उसी को फॉलो किया था या आपको था कि यार मैं सबसे मुश्किल वाले से स्टार्ट करता हूं, या किस तरह आपने किया था? सर पेपर जब मेरा सेकंड टाइम था, इस जब मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, इसमें मैं जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे तो मेरी नर्वसनेस एंजाइटी जाहिर है थोड़ी इंक्रीज हो रही थी, बिल्कुल ऐसी। लेकिन टेस्ट से पहले मैं काफी रिलैक्स था, मतलब मुझे पता था कि यार ये मेरा फन एंड फाइनल शॉट है, इसमें मैंने कुछ करना है, तो अगर मैं एंजाइटी वगैरह लूंगा तो जाहिर है प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी, मुझे याद नहीं आएगा, 2+2 भूल जाएगा क्या है, तो उसमें मैं रिलैक्स था। मैंने फिर सीक्वेंस में जब मैं चला तो फिजिक्स का पेपर मेरा पहला था, लेकिन मैंने फिजिक्स का इसलिए सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा यार हो सकता है इसमें मुझे टाइम ज्यादा लग गया, मैं पहले बाकी कर लेता हूँ। तो मैंने पहले बायो फिनिश की, बहुत ईजी थी, मुझे बहुत ईजी लगी। फिर मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की, फिर मैंने अच्छा फिजिक्स का मुझे पहला एमसीक्यू ही नहीं आता था, अच्छा, मजे की बात, यानी याद नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम। तो अब दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैं पैनिक कर जाता कि यार मुझे तो पहला एमसीक्यू ही नहीं आता, या फिर मैं कहता यार इसको बाद में देते, ये तो तुक्का भी लग जाएगा, बाकी करूं पूरे में। तो जब मैं बायो मैंने कम्प्लीट की, फिर मैंने अपनी लॉजिकल कम्प्लीट की, फिर मैंने इंग्लिश कम्प्लीट की, फिर मैंने केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर मैं एंड पे फिजिक्स पे आया, और वो उस टाइम तक फिर मुझे रिकॉल हो गया था कि यार इसका ये है, वो रिलेटिव परमिटिविटी वाला था। कॉन्फिडेंस गेन हो गया, फिर आपने केमिस्ट्री किया, वो भी एक मुश्किल सी चीज है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, उसको भी आपने कर लिया, तो अब यहाँ पर आपका इतना कॉन्फिडेंस बन गया होगा कि आपने बोला होगा यार बाकी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, पेपर को करना भी एक आर्ट होता है, जैसे आपकी प्रिपरेशन एक आर्ट है ना, उसको भी ये भी एक आर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध शुरू से स्टार्ट हो और हर एक एमसीक्यू पे एक एक मिनट लगाते जो यू विल फेल द एग्जाम, सीधी सी बात है। बिल्कुल। तो इसमें आपको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं, जाहिर सी बात है अभी कोई बताने वाली बात नहीं है, बट बच्चों को आई डोंट नो कि समझ क्यों नहीं आती इस बात की, आपको वो चीज पहले करनी है जो आपको आती है अच्छी, जो नहीं आता उसको आप छोड़ दो, जो आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आ रही सर्कल लगाओ अगले क्वेश्चन पे चलो, ठीक है, आप वो तो पहले सिक्योर करो। एंड में आमतौर मुझे एक बच्चा बता रहा था कि उसके नम्स का टेस्ट आपको आइडिया को कितना इजी होता है, इसलिए उसका मेरिट बहुत ऊपर होता है। मुझे कहता कि मेरे 25 एमसीक्यूज ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने उनको छोड़ा और मैंने बाकी पहले की, फिर मैं एंड पे करता गया और एंड पे उसका एएमसी में एडमिशन हो गया था। Nice, तो ये होता है जब आप, क्योंकि सर बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जब आप टेस्ट कर रहे होते, हो सकता है आपको किसी और क्वेश्चन से उसका हिंट मिल जाए, ऐसा भी अक्सर अवकाश हो जाता है, आपका माइंड चल पड़ता है उस टाइम। तो जरूरी नहीं है कि आपके सामने जो सवाल आ गया आप उसी को करने बैठ जाओ, उस पर टाइम वेस्ट होगा। एक बच्चा था वो 5 मिनट लगा दिए उसने एक सवाल पे, उसका लॉजिकल के रह गए 6 के 6, उसने फिर वो बी लगा दिए। तो डिपेंड्स के जो क्वेश्चन आपको, सर ऑनेस्टली बताऊं तो उसकी तैयारी मैंने की ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं आता।
सर लॉजिकल जो है ना, लॉजिक इतनी इंसान के पास होती है कि वो हो ही जाता है लॉजिकल। बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि यार पेपर जो बन रहा है ना, बनाने वाले का माइंड कैसा है, यानी उसकी लॉजिक क्या है, वो कैसे पेपर बनाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी दफा एक आया था, पिछली दफा एक सवाल आया था कि बाहर जो है उसके एयरपोर्ट है, किसी का घर एयरपोर्ट के बाहर है, उसको सोने में प्रॉब्लम होती है। तो दो ऑप्शन उसने दिए थे कि या तो वो स्लीपिंग पिल्स ले ले, या तो वो ईयरबड्स लगा ले अपने कानों में, ईयर प्लग्स लगा ले। अब देखने में तो दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो काबिले यकीन है कि यार दोनों से सॉल्यूशन तो मिल रहा है, लेकिन स्लीपिंग पिल्स से उसको नुकसान होगा, उसकी नींद और ज़्यादा ख़राब होगी, उसको गुड क्वालिटी नॉइस ब्लॉकर यूज़ करने चाहिए। तो ये आंसर था इसका। बस आपको, आप अगर 10 क्वेश्चन ईच टॉपिक के भी कर लेना तो आपकी लॉजिकल का तो मसला ही नहीं है, बहुत वो आपका हो जाएगा। पास पेपर आप कर लें, पीएमसी के कोई 10 क्वेश्चन उठा लें, या आप पीएमडीसी के, जिस तरह अब जो पेपर हुआ है, अगर आप ये सॉल्व कर लेना और 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, आपका इजीली हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लॉजिकल रीजनिंग जो है, मैं इस वजह से पूछ रहा था, मेरे पास जो है यूट्यूब के ऊपर मैंने लॉजिकल रीजनिंग को पर्सनली पढ़ाया हुआ है, और वो पूरे का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है। तो उससे जो है ना सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स पढ़ पढ़ के अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप माशाल्लाह गिफ्टेड स्टूडेंट हैं, जिसने बगैर पढ़े इतना अच्छा किया, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को तलकीन करता हूँ कि यार उस वाले वीडियोज़ को सिर्फ एक बार देख लो, और बेशक क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस ना करो, सिर्फ वीडियोज़ देख कर चले जाओ, हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जो बोले कि यार लॉजिकल रीजनिंग उसका एक नंबर भी कट ऑफ हो वीडियोज़ देखने के बाद। तो which is like alhamdulillah मेरे लिए एक बड़ी gratification की बात है। Definitely. But at the same time you are saying कि क्या नाम है, कि बहुत easy है, I completely agree with that. Logical reasoning at the end of the day is logical thing. ठीक है, आपकी everyday life की observation, आपकी अपनी खुद की बचपन से जिस तरह से grooming हुई होती है, उससे भी बड़ा डिपेंड करता है कि यार आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का एक बड़ा मुश्किल सा लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया था अभी यूएचएस के अंदर, उसके अंदर जो है मतलब मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था देखने में, और बड़े अजीब से नंबर से उसमें था। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर था 2, एक नंबर था मतलब कि स्केयर रूट था, मतलब 2 का स्केयर रूट 4 होता है, तो 4 नंबर था। फिर अगले का फॉर एग्जाम्पल 3 का स्केयर रूट 9 होता है, फिर 4 का स्केयर रूट 16 होता है, लेकिन 16 नहीं लिखा हुआ था, फिर उसके बाद 25 लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ, वह मतलब स्केयर रूट्स लिखे हुए हैं ये मुझे समझ आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ कुछ स्किप हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है। फिर समझ आया कि यार ये प्राइम नंबर सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं, प्राइम नंबर का स्केयर रूट जो है उसकी लिस्ट ये है। तो अब मैंने कहा कि वाह, मतलब कि मुझे प्राइम नंबर पढ़े हुए शायद 10 साल हो गए, बट द फैक्ट कि मेरी बचपन की बेस अच्छी बनी हुई है मैथ की, दैट मेक्स मी रिकॉल कि अच्छा ये तो प्राइम नंबर्स के हैं। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो तो अपने एफएससी के अंदर जो है वो मैथ तो छोड़ देते हैं, प्राइम नंबर्स के रूट क्यूब रूट तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए वो सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग बेस चेक कर रहा है लॉजिकल रीजनिंग। तो यप, अगर कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वो कर सकता है। ड्रीम कॉलेज आपका कौन सा है? सर ड्रीम कॉलेज मेरा वैसे अलामा इकबाल है, और इसके बताऊं तो क्या मेरिट में आ जाएंगे? सर मेरिट में मेरी अब जाहिर आ तो जाएगा, किंग एडवर्ड में भी आ जाएगा। क्या बात है, ये फीलिंग कितनी जबरदस्त है इस टाइम में बैठ के ये फीलिंग काबिले रख के आना चाहिए। फ्रॉम टू द पॉइंट के इसमें भी आ जाएगा, अब देखता हूं मैं किसको सिलेक्ट करता हूं। अब तो वो वाली बात हो गई है ना कि मेरा नहीं आएगा तो और किसका आएगा। माशाल्लाह यार, मतलब डेफिनेटली अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड वेल अर्नड मोमेंट के यार, जहां पर आप ये बोल सको, और यार इसको जितना एंजॉय कर सकते हो उसको करो। यकीन मानो ये वो वाले मोमेंट्स अभी के और आने वाले कुछ दिनों के आपके इतने जबरदस्त मोमेंट्स होंगे, आप इन मोमेंट्स को जिंदगी भर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अपने आने वाली जो लाइफ है, फैमिली है, आपके बच्चे होंगे, आप उनको ये, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बड़ों को देखता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में बोर्ड्स में पोजीशन ली है या कुछ भी किया है, वो आज भी किसी महफिल में बैठे होते हैं अपने बच्चों के साथ या घर में मेहमानों में, तो वही टाइम, मतलब वो अपने डॉक्टरी का टाइम नहीं बात करते या अपनी जॉब के बारे में बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि एफएससी के टाइम पर किस तरह से उन्होंने टॉप किया और क्या किया। तो दैट्स डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मोस्ट प्रॉब्ली नियर पियर की टीम शायद आपको विजिट कर रही हो, देर आर फ्यू गिफ्ट्स जो मैं यहाँ से डिस्पैच आपके लिए कराऊंगा, या फिर वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देर इज़
there is going to be an event very soon in Lahore, jahan par we will be inviting all the toppers, junior peer ke hain ya otherwise. और हमारा मकसद ये होगा कि हम एक ग्रुप बनाएं टॉपर्स का और हम जो अपकमिंग एस्पायरेंट्स हैं एमडी कैट के उनको भी उसी कमरे में बिठाएं और हम लोग जो हैं वन ऑन वन सेशंस कराएं जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉपर से पूछें कि अच्छा जी आपने क्या किया कैसे किया ये सारी बातें जो आपने मेरे साथ की आई बिलीव द होल वर्ल्ड शुड बी लिसनिंग टू ऑल दिस एंड व्हाट कुड बी बेटर कि अगर आप वन ऑन वन बच्चों के साथ बात करें उनको बताएं उनको सिखाएं तो प्लीज जरूर टाइम निकालिएगा लाहौर आइएगा हम आपको होस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह और हर तरह से आपका ख्याल रखेंगे क्योंकि ये जो ये एक होती है अगर आप वो एक गेम होती है जिसमें आपने वो रेसिंग गेम होती है जिसमें आपने जो है वो बैटन जो है वो अगले बंदे को देना होता है आप आगे जाते हो फिर अगले फिर वो लेते हैं रिले रेस के अंदर तो रिले रेस के ये भी एग्जैक्टली वो वाला सीन है कि अब आप जो है अपनी आपकी रेस खत्म हो गई है लेकिन अब आपने जो है अगले बंदे की मशाल जो है वो जलानी है ताकि वो जो है इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके इस लेगेसी को इंशाल्लाह तो अरीन एट द एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी सर क्वेश्चंस एज सच नहीं बट आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस द होल नियर पीयर टीम द होल आई मीन थैंक यू टू सबका ही बनता है जिन्होंने भी जो है ना कंट्रीब्यूट किया है इस सक्सेस में इस अचीवमेंट में पेरेंट्स जो है और कहीं ना कहीं मेरी भी मेहनत है एंड जो लोग भी स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं चाहे वो पेड कर रहे हैं चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इट डजंट मैटर वो एटलीस्ट कर रहे हैं जहाँ पे एकेडमी लाइक एकेडमी से मुझे ये पेट पीव है कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं और लाइक अंधाधुंध जो है ना वो उधर लाइक भेड़ चाल वाली बात होती है कि अकेडमी में जो बंदे जाते हैं अब ये बातें समझाना मुश्किल है क्योंकि मैं किसी को बताऊंगा वो मुझे आगे से काउंटर करेगा कि आपने भी तो ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम तो लाइक एक्सपीरियंस से आ जाता है ये चीज कि आपको जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली किसी बड़ी एकेडमी से अगर पढ़े हुए हो तभी आपका एडमिशन होगा टॉप के कॉलेज में इट डजंट मैटर पढ़ाई आपकी अपनी आपको मैं एक बात बोलूं मतलब ये दुनिया भी सुनेगी बाद में ये भी बात मैं उनको भी बताऊंगा कि मैं तो नॉर्मली बच्चों को भी बोलता हूं कि यार देखो मैं नियर पीयर का रिप्रेजेंटेटिव हूं ना मतलब मैं नियर पीयर रन करता हूँ सारा कुछ बट ऑनेस्टली मुझसे पूछो मैं तो आप लोगों को ये भी बोलता हूँ कि यार अगर तुम्हें लगता है कि तुम किताब अच्छी कर सकते हो और प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हो तो तुम नियर पीयर को भी ज्वाइन ना करो यार ठीक है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नियर पीयर मेरा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैंने क्या नाम है 5,000-8,000 बच्चों को ज्वाइन करवाना है और उनसे फीस लेनी है और कोई अपनी पॉकेट्स भरनी है अगर पॉकेट्स भरने का सीन होता तो आई एम अलम्स ग्रेजुएट अल्हम्दुलिल्लाह एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव अब्रॉड इन टर्म्स ऑफ जॉब्स मनी पता नहीं क्या क्या दे आर ह्यूज अल्हम्दुलिल्लाह इवन आज भी माई पर्पज ऑफ स्टार्टिंग नियर पीयर वॉज नंबर वन टू स्प्रेड द अवेयरनेस अराउंड कि यार एंट्री टेस्ट वगैरह जो है दे आर ईजी फॉर एग्जाम्पल मैं पर्सनली मैंने एस सी टी एग्जाम दिया था पाकिस्तान के अंदर मैं अकेडमी गया था बहुत गंदे मार्क्स है अकेडमी के बगैर खुद बैठ के पढ़ा मैंने तो नियर पीयर से नहीं पढ़ा क्योंकि नियर पीयर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस टाइम पे मैंने खान अकेडमी से पढ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा अपनी मेहनत किया और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए उसके बाद आई बी ए का पेपर पूरे पाकिस्तान में मेरी सेकंड पोजीशन थी और नॉर्थ पाकिस्तान में आई टॉप्ड द आई बी ए एग्जाम तो विदाउट गोइंग टू एनी अकेडमी लम्स का एंट्री टेस्ट हुआ था विदाउट एनी अकेडमी फास्ट में गया था एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्टर कराने के लिए तो वहाँ पर बातों बातों में मैंने किसी को बता दिया था मेरा सैट का एग्जाम है और ये वो उन्होंने बोला अच्छा तो मुझे डीन के पास ले गए और डीन ने मुझे बोला कि बच्चे आपको एंट्री टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है उसी वक्त उसने अपने पीए को बोला कि यार इसको जो ऑफर लेटर जो है वो टाइप करके दो तो मेरी अपनी वो हिस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हाँ मैंने एक पूरे मैं आज भी वैसे एक चीज बात का रिग्रेट है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जिसका टेस्ट मैं नहीं क्वालिफाई कर पाया था वो नस्ट का था ठीक है और वो इसी वजह से था कि मतलब कि मैं कंप्यूटर के ऊपर था और मैं तैयारी उसकी नहीं करके गया था कंप्यूटर और मैंने कहा कि यार क्यों वो पेपर पे करने की आदत थी तो मैं आज बच्चों को इस बात पे यकीन करता हूँ कि वो बच्चा जिसने आईबीए टॉप किया अलाउंस हो गया लेकिन जैसे कंप्यूटर सामने आया तो वो नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों की तैयारी मस्ट हर एक सिचुएशन के साथ लड़ने के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है तो ये मेरा मैसेज था स्टार्ट में ये मैसेज जब स्टार्ट किया तो तब समझ आया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ बातें नहीं सुनना चाहते वो कहते हैं कि सर कुछ दे भी दें साथ पढ़ाई करने के लिए तो हमने कहा यार चलो एमडी कैट दे देते हैं एमडी कैट लॉन्च कर लेते हैं उस एमडी कैट के अंदर भी स्टूडेंट्स को ये बोलना कि यार बुक से पढ़ो प्रैक्टिस करो अपनी वीकनेसेस को देखो
लेकिन स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर अगर मंजन है तो अच्छी बात है. फिर एट द एंड ऑफ द डे द पीपल लाइक यू हु डू अंडरस्टैंड द पॉइंट, यू नो, स्ट्रेस को भी मैनेज किया, रूटीन को भी मैनेज किया, दूसरों को पढ़ाया भी, बुक से भी पढ़ा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द एविडेंस ऑफ योर सक्सेस. एंड उनके लिए सिर्फ दुआ है हमारे लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि देर इज नो सच थिंग एज फेलियर ऑन दिस अर्थ. अगर आप फेल हुए तो दैट समथिंग मींस दैट यू आर मेड फॉर समथिंग different that you do not realize. Yes, absolutely. ये वही उस भीड़ का पार्ट ना बने जो सारे कह रहे हैं MD CAT. ठीक है, अगर बहुत बिलीफ है आपके अंदर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपकी बात मुझे अच्छी ये लगी कि आपने भी फर्स्ट ईयर में ये नहीं कि 110 नंबर के बाद आपने रिपीट किया, 167 लिए एटलीस्ट, एक डिसेंट मार्क्स लिए जिसके ऊपर आपने सोचा कि यार यहाँ से इम्प्रूव करूँ. ठीक है, तो अगर तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉर एग्जाम्पल 160-170 वाले हैं, वो कहते हैं हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ऑल द बेस्ट. लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसके 100-110 आए, तो प्लीज ट्राई टू थिंक डिफरेंटली, बजाय कि एक और साल आपका जाया हो. बट अगेन प्रेयर्स फॉर एवरीवन एंड प्रेयर्स फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे एज वेल. और प्लीज अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने सिबलिंग्स को, हूएवर इज इन योर फैमिली हैज कंट्रीब्यूटेड, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद दें. और डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली लव टू मीट देम समडे एज वेल. Because at this point of time, ये जो खुशी मैं आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ ना, how do you feel? इसका जवाब honestly आपके पास नहीं है इस time पे, but I'm pretty sure आपके parents के पास और आपके loved ones के पास ज़रूर है इसका, because it's their success, right? Yes, sir. Even मेरे father कह रहे थे मुझे last time के आप चले जाओ private, CMH में मेरा हो गया था मुल्तान में, तो he was saying के आप जो है ना private चले जाओ MBBS करने और फिर ना next year MCAT दे देना, होता है तो ठीक है नहीं तो नासिब. बट मैंने इसलिए नहीं रिपीट ईयर किया क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे या ऐसा कोई सीन था. आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव समथिंग, क्योंकि हमारी एक कॉलोनी है उसमें सबकी एक्सपेक्टेशंस थी, एटलीस्ट मुझसे, क्योंकि मैं टॉपर था कॉलेज का, कि यार इसका तो होना ही चाहिए. तो उन सबको प्रूव करना था कि यार लास्ट टाइम जो हुआ ना, इट वॉजन मी, मतलब वो मेरी वजह से इतना ज्यादा नहीं हुआ, वो कुछ और फैक्टर्स भी थे. You see, that is very important. Successful होने के लिए तैयारी, strategies, ये सारी अपनी जगह हैं. लेकिन मैं इसके बरक्स कहना, मैं एक और जो बहुत important चीज़ है वो है inspiration. लोगों की जब आप बातें सुनते हैं वो होती है motivation. Motivation बाहर से अंदर आती है, वो आपको एक दो दिन के लिए motivated रखती है. लेकिन एक तपन अपने अंदर से निकलना, तपश अपने अंदर से निकलना इस बात की यार मुझे करना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे अपने आप को भी प्रूव करना है और बाकी को भी प्रूव करना है, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. सो अगर मैं करेंगे शॉर्ट, मुझे ये समझ आ रही है कि यू वर वेरी इंस्पायर्ड, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्रिवन, एंड दैट एक्चुअली बिकेम अ ह्यूज रीजन फॉर यू नो दिन रात पढ़ाई करना, मेहनत करना, स्लीपलेस नाइट्स, जो घास को जब आपने जाकर पांव लगाया तो फीलिंग कितने दिनों बाद. Yes, exactly. वो सारी बातें थी कि यार मतलब वो कमरे में वो आपको क्या चीज रखती थी, वो सारी आपकी अपनी अंदर की इंस्पिरेशन थी. तो ऑफ कोर्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल यार. बट मैन टुडे मार्क्स डे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो जिंदगी दे, अच्छी सेहत दे. तो इसके बाद मैं आपको ये बात बड़े कंफर्टेबली कह सकता हूँ कि यार देयर इज नो लुकिंग बैक. अपनी इसी एकेडमिक परफॉर्मेंस को जो है वो अच्छे रखना यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर भी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस लेवल पे बड़ा अच्छा करते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है. और उनका आर्गुमेंट ये होता है कि यार कोई बात नहीं, एट द एंड पे मैं डॉक्टर तो बन ही जाऊँगा ना, और बात सही करते हैं, वो डॉक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन अगर वो ख़राब ट्रांसक्रिप्ट के साथ डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो उनको आगे जिंदगी में बहुत रिग्रेट होगा. कभी कोई हॉस्पिटल उनको जॉब नहीं देगा, किसी स्कॉलरशिप से वो रह जाएंगे, MRCP है आगे, FCPS है, ना जाने क्या क्या चीज़ें. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेनटेन दिस कैलिबर एंड दिस मोटिवेशन इंस्पिरेशन आगे वाली लाइफ में भी. तो डोंट लेट द सक्सेस गेट टू योर हेड, बस यहाँ पर मेरा एक आपको आपका क्या ओपिनियन है कि KE में जाना चाहिए या अलामा इकबाल में? यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसका दो तरह से रिप्लाई कर सकता हूँ. अलामा इकबाल और KE दोनों बहुत ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं. मैं आपको एक और तरह से जवाब देता हूँ इसका. अहमद सजाद हमारा पिछला टॉपर था, फेडरल बोर्ड में उसने टॉप किया था फर्स्ट पोजिशन उसकी. वो कह रहे थे यार मुझे आर्मी पब्लिक में जाना है क्योंकि नाम्स में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के पास रहना है और मुझे इस्लामाबाद में रहना है. हमने उसको कन्विंस कर करके बोला कि यार तुम किंग एडवर्ड में हो, लड़के तुम्हारी सक्सेस से, तुम्हारे डॉक्टर बनने से मेरी सेहत पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम किंग एडवर्ड हो, मान दो ये बात. मेरी वजह क्या थी ये बोलने की,
वहां से शायद आपको आपका जवाब मिल जाए। मेरे ये बोलने की इसलिए वजह थी कि यार कुछ होते हैं फ्रेटर्निटी कॉलेजेस। फ्रेटर्निटी कॉलेजेस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एचएसएम का नाम सुना होगा, एचएसएम कॉलेज, ठीक है, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है। सो एचएसएम इज अ लेगेसी कॉलेज। लेगेसी कॉलेज का मतलब होता है या कैडेट कॉलेज, हसन अब्दाल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सही है। ये वो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर आप इस वजह से नहीं जाते कि यार इनकी पढ़ाई अच्छी है या बुरी है, ठीक है, आप इस वजह से जाते हो क्योंकि डेफिनेटली आपको पता होता है कि पढ़ाई तो अच्छी है ही है क्योंकि तभी रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उनके अंदर इतनी यूनिटी होती है कि मिसाल के तौर पर आप ये देखते हो कि यार फॉर एग्जाम्पल कैडेट कॉलेज का जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पर भी बैठा है, यहाँ पर भी बैठा है, यहाँ पर भी बैठा हुआ है, तो कल को जब अगर आप कैडेट कॉलेज के ग्रेजुएट हो गए और आप किसी बड़े बंदे से मिलना चाहते हो तो आप एक पर्ची पे लिखकर दे दोगे फॉर एग्जांपल अरीद खालिद कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल या अरीद खालिद किंग एडवर्ड, तो अंदर जब आपकी पर्ची जाएगी तो अगला बंदा कहेगा फॉरन बुलाओ इसको, इससे मैंने बात करनी है, एज कम्पेयर टू अदर पीपल जिनको शायद 10-10 दिन लगेंगे मीटिंग करने के लिए। एचएसएम कॉलेज भी ऐसा ही है। एचएसएम कॉलेज से आपको बताया कि इमरान खान ने ग्रेजुएट किया फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इसमाइल ने ग्रेजुएट किया फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम उठाकर देखते हैं आपको पता होता है कि यार वो एचएसएम के ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप ही एचएसएम के ग्रेजुएट हैं तो अब आप उनकी फ्रेटर्निटी के अंदर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से किंग एडवर्ड जो है उसकी भी एक फ्रेटर्निटी है, एक रिनाउंड नाम है पूरी दुनिया के अंदर। मैं यूएस जाता हूँ, वहां पर जब मैं डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी देखता हूँ तो वहां पर नजर आता होता है कि यार किस तरह से किंग एडवर्ड के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो शेयर करते हैं आपस में। वहाँ पर एक एसोसिएशन है विच इज कॉल्ड अपना, ऑल पाकिस्तानी नेटवर्क डॉक्टर एसोसिएशन समथिंग लाइक दैट। उसके अंदर जो भी टॉप लीग के अंदर भी बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं पता वहाँ कोई अलामा इकबाल का है कि नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता अलामा इकबाल की शायद फ्रेटर्निटी नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने किंग एडवर्ड के लोग वहाँ पर ज़्यादा देखे हैं। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि अगर तो आपके पास मौका है, ठीक है, एक लेगेसी कॉलेज में जाने का, और साथ में आपको ये भी पता है कि लेगेसी कॉलेज की पढ़ाई उतनी ही अच्छी है जितनी मिसाल के तौर पे उस कॉलेज की जो फॉर एग्जांपल इतना लेगेसी कॉलेज नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए कि लेगेसी कॉलेज में ही चले जाओ, जो कि इस केस में किंग एडवर्ड बनता है, और फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड से ऊपर आगा खान बनता है। अब आगा खान की फ्रेटर्निटी जो है या उसका जो वो है लेगेसी कॉलेज, वो किंग एडवर्ड से भी ऊपर है। एग्जैक्टली। तो इस हिसाब से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन माय लिमिटेड ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज, आई बिलीव किंग एडवर्ड इज द गो, ठीक है, वो पूरी जिंदगी आपको ये डिसीजन जो है वो आप चेरिश करोगे, बट दैट डज नॉट मीन अलामा इकबाल इज अ बैड कॉलेज, बट इफ यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग टू बोथ किंग एडवर्ड शुड बी द चॉइस, आई बिलीव। थैंक यू सर। वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन, आपने कहा कि नियर पीयर का ग्रुप्स आप लोग बनाएंगे एंड उसमें हम लाइक मेंटरशिप करेंगे, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ इंटर्नशिप? नहीं, ये एक दिन का सिर्फ इवेंट है, एक दिन का इवेंट है जिसमें आपको लाहौर बुलाऊंगा, वहाँ पर जो है देयर विल बी यू नो अ हॉल जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा, वहाँ पर जो है मेरा मकसद ये होगा कि क्या मैं आप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं और क्या मैं उनसे गपशप लगाएं, लेकिन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड आई थिंक वो एक डिफरेंट एंगल से आ रहा है, उसके बारे में बात कर सकता हूँ कि डेफिनेटली इफ यू आर इन द लुक ऑफ सम गुड इंटर्नशिप्स, तो डेफिनेटली नियर पीयर की हर वक्त कुछ ज़बरदस्त इंटर्नशिप्स भी आ रही होती हैं, इनफैक्ट इंटर्नशिप में जॉब्स आ रही होती हैं जहाँ पर हम आपसे जो है वो काम ले रहे होते हैं और आप ज़बरदस्त फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक को बनाना, फॉर एग्जाम्पल अब तो फॉर एग्जाम्पल AI का ज़माना है बड़ा ज़बरदस्त, तो क्वेश्चन बैंक जो हम पहले बहुत ज़्यादा ह्यूमंस पे रिलाई करते थे, अब हम लोग हैं AI से, आप ChatGPT यूज़ करते होंगे OpenAI, सही है, तो ChatGPT से हम लोग क्वेश्चन बनवा लेते हैं, लेकिन फिर उनको स्क्रूटिनाइज करना होता है, उसके आंसर्स को स्क्रूटिनाइज करना होता है, क्योंकि ChatGPT जो है वो हमेशा सही आंसर्स नहीं देता, तो दे आर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स इंटर्नशिप्स। जो अली इम्तियाज के साथ आपकी बात हो रही थी, राइट? जी। हाँ, अली इम्तियाज जो है ही हेड्स MDCAT डिपार्टमेंट, तो MDCAT डिपार्टमेंट हमारा जो है ऐसे भी साइज वाइज सबसे बड़ा है नियर पीयर पे, वी हैव लाइक आई थिंक राइट नाउ 20 प्लस स्टूडेंट्स वर्किंग विद अस इन डिफरेंट कैपेसिटीज, और डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो दे आर नॉट एबल टू वर्क विद अस एनी मोर, तो देर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जो अभी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, सच एज यू, जिनको MDCAT भी ग्रिप है और अब उनके पास लाइफ में थोड़ा टाइम भी है और अर्निंग भी करनी है, तो नियर पीयर डज प्रोवाइड सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल, तो और आप
आपको तो कहने की जरूरत भी नहीं है, इंशाल्लाह हमें कोई जरूरत होगी तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अरीज प्लीज हेल्प अस इन दैट। डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू यू नो जॉइन एंड एवरीथिंग। थैंक यू अरीज। फिर अरीज थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज आपका सेलिब्रेशन का डे है, आई वुड नाउ लव टू लेट यू गो। जाएं सेलिब्रेट करें, पेरेंट्स साथ खाएं पिएं, सही है। थैंक यू सो मच अरीज। यस सर। अल्लाह हाफिज़।